हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का करीब जो है 11 बज रहा होगा। तो अभी मैं खाना बना रही थी और खाना खाना मैंने बिठा दिया है। दाल चावल मेरा बन रहा है अभी। और मैं अभी यहाँ पे जो है साग ये मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो इस साग में ना एक दो जो है वो कुछ कुछ निकलता है, घास फूस जो होता है वो सब, तो वही जो है अभी मैं निकाल लेती हूँ और सही से इसको अभी जो है धो के और काट लूँगी इस साग को। और ये साग को मैं अभी बनाऊँगी। और ये वाला साग ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमली की साग है पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट साग है। और गंधारी साग भी अच्छा लगता है पर गंधारी से अच्छा मुझे यही वाला साग अच्छा लगता है। तो ये वाला साग अभी मैं बना रही थी। तो ये 2 मुट्ठी था तो इसको मैं अभी अच्छी तरह से धो के काट ली थी। और यहाँ पे ये देखिए बॉयल कर ली थी मैं इस साग को। और बॉयल करके इसमें लहसुन प्याज मिर्ची हरी मिर्ची ये सब मैं भून के और इस साग को मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से जो है भून लेती हूँ। जब तक इसका पानी इसमें सूख ना जाए तब तक मैं इसको भून लेती हूँ। बस अभी जो है मेरा खाना तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं कर रही थी कुछ वीडियो शूट, तो वो जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी धूप थोड़ा कम हुआ है, दोपहर में जो है बहुत ज़्यादा धूप था और अभी यहाँ पे धूप कम है। और दोपहर के टाइम तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे छत जो है ना हमारा ये गर्म हो जाता है तो फिर धूप बहुत तेज़ लगता है। और पंखे का जो हवा आता है वो भी बहुत मतलब गर्म गर्म हवा निकलता है। तो ये है। और अभी मैं जा रही हूँ इवनिंग का चाय बनाने। अभी हम लोग जो है लंच वगैरह करके अभी हम लोग सो गए थे और गोलू अभी उठ चुका है। गोलू देख रहा है टीवी, खाली टीवी देखते रहता है, पढ़ाई कम करता है टीवी ज़्यादा देखता है। ये पता नहीं क्या क्या बनाने वाला टीवी जो है देखते रहता है। और डुक्कू गया है ट्यूशन मनीषा घर में है, ये भी अपना मोबाइल में कुछ कुछ देख लिए पढ़ाई का चीज़। और अभी मैं जा रही हूँ इवनिंग का अपने लिए चाय बनाती हूँ और फिर डुब्बू अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे अभी ये देखिए ये जो है मैं बारीक बारीक मिर्ची प्याज लहसुन की कुछ कलियाँ ये सब जो है मैं काट लेती हूँ। और इसको अभी पोहा को मैं भिगोने के लिए नहीं रखी हूँ तो अभी मैं इसको काट के जो है फिर मैं भिगोऊंगी। इसके बाद जो है मैंने अभी कढ़ाई पे गैस पे बिठा दिया है। तो ये देखिए ये जो पोहा है ये 1/2 kg का है। तो ये 1/2 kg का इस तरीके का पैकेट आता है ना, थोड़ा सा ये इसका प्राइस ज़्यादा होता है। और जो खुला चूरा होता है तो वो ना वजन से देते हैं पर उसका कम पैसे लगते हैं। और ये क्या होता है ना, पोहे जो बड़े बड़े होते हैं ना दाने, तो वो खाने में अच्छा लगता है। तो पैकेट में अगर होता है तो बड़े बड़े होता है तो ये अच्छा लगता है। और जो वजन से हम लोग लेते हैं ना ज़्यादातर, तो हम लोग वजन से ही वजन करके ही लेते हैं दुकानों में। तो इस बार ये वाला ले आए थे तो ये अच्छा लगा था, मीठा मीठा लगा था। मतलब कुछ चीरा होते हैं वैसे, जो दही चूरा भी अगर आप खाओ ना तो अच्छा लगेगा। और जो जैसे कि हम लोग के गांव तरफ होता है धान का जो चूरा पिसवाते हैं तो वो और अच्छा लगता है, पर वो छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये देखिए मेरा पोहा जो है अभी बन के तैयार है। इसमें मैंने बादाम के दाने नहीं डाला है क्योंकि बादाम के दाने जो है नहीं थे। तो ये सिंपल जो है मैंने ये वाला पोहा बना दिया है। और मैं अपने लिए अभी मैं बना ली हूँ चाय। तो अभी मैं जा रही पोहा खाने और डुगू नहीं आया है, मनीषा और गोलू जो है खा लिया है तो मैं खाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं छत पे आ गई हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए। और आज जो है मैं नीचे नहीं गई क्योंकि काम भी था घर पे,
तो अभी मैं काम कर रही थी और अभी अभी मैं छत पे आई हूँ, और छत पे ना बहुत अच्छा जो है हवा चल रहा है, और बच्चे जो है अभी नीचे खेल रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है नीचे जाऊँगी, शाम का जो है दिया बाती वो दिखाऊँगी। और यहाँ से ना ये नज़ारा जो है देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है हम नीचे आ गए हैं, टुक्कू सब भी आ गए खेल के, और टुक्कू अभी देख रहा है टीवी। टीवी कौन सा देख रहा है? जो चीकू, जो अरमान मलिक के हो बेटे हैं ना, उनका जो है चीकू नाम है, तो उसका वीडियो ना टुक्कू जो है देखते रहता है हमेशा, तो टीवी पे भी चला लिया है और देख रहा है। तो यही देखता है, अच्छा लगता है तुमको देखने में? तो इनका जो एडिटिंग वीडियो क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इनके काफ़ी जो है हैवी हैवी कैमरा होता है, और अच्छा होता है इनका वीडियो देखने में, अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, तो अभी जो है 7 बज गया है, तो अभी जा रही हूँ सब्जी वगैरह फिर काटती हूँ पहले। तो आज के डिनर में अभी मैं बना रही थी पुई साग, तो ये देखिए पुई साग, क्योंकि कल गए थे ना, मतलब मार्केट एक दो दिन पहले ही गए थे, तो वहाँ से बहुत सारे सब्ज़ी लाए थे, तो पुई साग भी लाए थे, गंधारी का साग भी, पालक साग भी, सारे साग जो है ले आए थे। तो यहाँ पे ये देखिए डिनर में जो है पुई साग, और इसमें चना डाल के वो मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको जो है मैं अच्छी तरह से काट लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको धोऊँगी। अभी मैं धोई नहीं हूँ इसको साग को, तो वैसे आप धो के भी मतलब काटती हूँ कोई कोई साग जो होते हैं, और पहले फिर मतलब इस तरीके से मैं काट के भी धो लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से धोने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप अच्छी तरह से नहीं धोगे ना, तो एक दो जो मिट्टी होता है वो मिलता है बनाने के टाइम। तो ये देखिए मैं सारे साग को काट लेती हूँ, और साग खाना अच्छी बात है, साग जो है खाना ही चाहिए, तो इसीलिए बराबर जो है हम लोग के घर में साग बनता ही है, पर बच्चों को थोड़ा सा जो है कोई कोई साग पसंद कम आता है। यहाँ पे ये देखिए ये पुई साग को मैं अच्छी तरह से धो के, और चने को भी मैं डाल दी थी भिगोए हुए चने, तो इसको मैं अभी नीचे कर देती हूँ चने को, और ये अभी थोड़ी देर जो है इसको बॉईल कर लेती हूँ। और अभी क्या हुआ था ना, अभी मतलब वो नमक ज़्यादा हो गया था साग में, तो मेरे हस्बैंड को जो है मतलब नमक बहुत कम पसंद है, बहुत कम, तो इसी वजह से उनसे थोड़ा सा जो है लड़ाई हो गया। तो हमेशा ना मेरे से कोई भी सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक कभी, मतलब उनको बहुत कम है, हम लोग को तो ठीक लगता है, पर उनको ना बहुत कम खाने का आदत है, तो इसी बात पे ना कभी कभी जो है लड़ाई हो जाता है तो हस्बैंड से, तो वही आज हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये साग जो है मेरा बॉईल हो गया था, इसको मैं सरसों का तेल में प्याज मिर्ची लहसुन ये सब मैं डाल के भून के, और अभी इस साग को जो है अच्छी तरह से भून लेती हूँ, और बिल्कुल इसका जो पानी रहता है ना इसमें अच्छी तरह से इसको उसी कढ़ाई में सुखा देना है। तो ये देखिए मेरा साग और पुई की साग और चना जो है ये बन के तैयार है, अब सिर्फ मुझे बनाना है रोटी। तो ये देखिए अभी मैं रोटी भी मेरा बन रहा है, और गोलू को जो है ये वाला साग पसंद नहीं आया था, तो वो दूध के साथ जो है ये रोटी खाने वाला है। तो ज़्यादातर गोलू क्या करता है ना, उसको कोई भी साग पसंद, मतलब कोई भी सब्जी पसंद नहीं आता है ना, तो वो दूध के साथ जो है रोटी खा लेता है, तो सही है बच्चे का, मतलब मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, जैसे कि किसी के भी बच्चे कोई भी चीज़ ना कोई भी चीज़ खा ही लेता है, पर मेरे तीनों बच्चों को किसी को ये पसंद आता है तो उसको ये नहीं पसंद आता है, फिर किसी को कोई सब्ज़ी पसंद आता है तो किसी को नहीं पसंद आता, इस तरीके से होते रहता है, तो कोई नहीं सब हो जाता है मैनेज। तो ये देखिए मेरा अभी रोटी जो है बन गया है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।